हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था। कल मैं लाइव गई थी, ठीक है, और उसमें मुझसे बहुत सी गर्ल्स ने पूछा गया था कि दी मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लिटरली मेरे बाल ना एकदम बर्बाद होने की स्थिति पे आ चुके हैं, रूखे सूखे हो चुके हैं। तो इन बालों को किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से नरिश किया जा सकता है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बना चुका है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने अपने बालों की ग्रोथ को, अब अपने बालों की जो लेंथ है उसको किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशन और प्रॉपर सही तरीके से बालों की केयर करके अपनी बालों को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया है। क्योंकि मैं अक्सर जब भी लाइव जाती हूँ या किसी का भी पर्सनल सेशन लेती हूँ, मेरे बालों की तारीफ होती ही होती है। तो देखो, बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़, 16 तारीख को मनी वर्कशॉप हो रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी आ चुकी है। प्रीवियस जब मैंने मनी वर्कशॉप लिया था तो उसकी सक्सेस स्टोरी बहुत सारी है। अब आपकी भी सक्सेस स्टोरी आने की बारी आ चुकी है। तो अगर आप मेरे मनी वर्कशॉप में शामिल होना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सीट्स ऑलरेडी फुल होने वाली हैं। सो देरी किस बात की, या फटाफट से फॉर्म फिल करो और मैं आप तक पहुंच जाऊंगी। और जो फीस है वर्कशॉप की वो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन लिखी आ रही होगी डेट एंड टाइम के साथ। ओके, सो नाउ लेट्स जंप इनटू द टुडेज़ टॉपिक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से बालों को किस तरीके से खूबसूरत बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ है वो बिलीफ सिस्टम पे चलती है, और दूसरी चीज़ इस पे चलती है कि आप एक्शन लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बालों की प्रॉपर केयर नहीं करते हो, अपने बालों को प्रॉपर प्रोटीन नहीं देते हो, तो आपके बाल ऑब्वियसली बात है जड़ से कमज़ोर होंगे और हेयर फॉल होगा, ऑब्वियसली ड्राई होंगे। और स्पेशली विंटर सीजन इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अगर मैं ये बोलूँ कि यस विंटर सीजन लग चुका है और आने ही वाला है, तो आपके बालों की और आपके स्किन की हालत ना विंटर के टाइम सीजन टू सीजन चेंज होती रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने बालों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अंडा खाना पसंद करते हैं तो ऑफकोर्स, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अंडों का कोई अच्छा सा मास्क बना के वीकली अपने बालों पे लगा सकते हो। और उस अंडों के मास्क में अगर आप अंडे प्रेफर नहीं करते हो तो वेदर यू यूज़ मेथी, भृंगराज, शिकाकाई, ऑल टाइप ऑफ मिक्सचर एंड मिक्स विद हिना पेस्ट एंड देन अप्लाई योर स्कैल्प एंड देन जस्ट अफर्म कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये हिना पेस्ट मेरे बालों को बहुत स्मूथ, शाइनी और ग्लॉसी बना देता है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहे हैं, मेरे बालों की लेंथ बढ़ रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, वॉट एवर यू वॉन्ट टू फिट। ठीक है, जो भी अफर्मेशन आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो। तीसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी, अगर आप हेयर ऑयल प्रीफर करते हो तो ऑफकोर्स सैटरडे टू सैटरडे आप अपने बालों को हेयर ऑयल करके अपने तेल को भी आप उस तरीके से अफर्म कर सकते हो कि जब जब मैं तुम्हें लगाती हूँ, जब जब अपनी तेल की बॉटल को अपने हाथ में लेना है, जस्ट उसमें एनर्जी देनी है कि जब भी मैं इस तेल से अपने बालों की मालिश करती हूँ मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी होने लगते हैं। तो इस तरीके से ये एक ऐसी टेक्निक है जो मैंने भी अब चीज़ यूज़ की थी। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा फैंसी या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अपने बालों में नहीं लगाया था, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ तेल लगा के ही अपने बालों में शाइन, ग्लॉसीनेस, स्मूदनेस, लॉन्ग लास्टिंग और ग्रोथ को बालों की इंक्रीज किया था सिर्फ और सिर्फ तेल यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे 3-4 चीज़ें बता दी है, आपको जो इनमें से प्रेफर हो आप वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने बालों को कभी भी ड्राई है ऐसा मत बोलो, बहुत हेयर फॉल हो रहा है ऐसा मत बोलो, मिरर के सामने जाके खड़े हुआ करो और अपनी कोम जब अपने बालों पे करते हो ना तो बोला करो, वाह मेरे बाल कितने शाइनी हो गए, वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, वाह आई लव यू, मेरे बाल बहुत सुंदर है। अपनी जब तारीफ़ करोगे तभी जाके आपको सेम चीज़ मिलेगी। अगर आप अपने बालों की तारीफ़ नहीं करोगे, अगर आप अपनी खुद की तारीफ़ नहीं करोगे, अपनी स्किन से, अपने स्किन टोन से अगर आप खुद को ही हेट करोगे ना, तो आपको रिस्पॉन्सेज भी सेम ही मिलेंगे जो आप मिरर में खुद को देख के बोल रहे हो। अगर मिरर में नहीं भी बोल रहे हो ना, तो खुद को देख के जो सेल्फ डाउट बात करते हैं ना, सेल्फ टॉक, वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए सेल्फ टॉक और मिरर टेक्निक बेसिकली सेम होती है। फिलहाल मुझे टॉपिक से नहीं हटना है, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई यूनिवर्स, व्हाई आप मुझसे इतनी स्पीड में वीडियो को क्यों बुलवा रहे हो। आई डोंट नो, आज मेरे गले में शायद यूनिवर्स ने कुछ ज़्यादा चक्री बांध दी है तो मैं काफ़ी स्पीड में बोल रही हूँ। बट इट टोटली डिपेंड ऑन यूनिवर्स, वो किस तरीके से मुझसे वीडियो में बुलवाते हैं। बिकॉज यार मैं बिना स्क्रिप्ट के वीडियो आप लोग के लिए तैयार करती हूँ, जो मेरे मन से आवाज़ आती है वो इस वीडियो के थ्रू आती है, और यूनिवर्स मुझे प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि मैं किस तरीके का वीडियो बना रही हूँ। तो यार देखो, सिंपली एक्शन लो, अपने बालों को प्रॉपर नरिश करो, अपने बालों को जिस तरीके से आपको खाने की ज़रूरत है ना, आपके बालों को भी प्रॉपर खाने की ज़रूरत है। हेना पेस्ट लगाओ, यूज शिकाकाई, रीठा, ब्रह्मी, आंवला, दीज टाइप ऑफ थिंग्स, ओके, एंड मिक्स विद हेना पेस्ट। मेहंदी यूज़ करते हो ना बालों में लगाने के लिए, उसमें सारी चीज़ें यूज़ किया करो और बाल अच्छे हो जाएंगे आराम से।
सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. मनी वर्कशॉप की डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के शुरुआत में दे दी है. दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी पर्सनल सेशन लेना चाहता है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. पर्सनल सेशन की डिटेल अलग रहती है, तो आप चाहो तो मुझसे पर्सनल सेशन भी ले सकते हो. तो ओके, सी यू सून. अपना अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, स्वस्थ रहो और खुशियाँ बांटते रहो. तो खुशियाँ ऑलरेडी रिसीव होंगी. ब्लेसिंग दोगे, ब्लेसिंग मिलेगी. हेट दोगे, हेट ही मिलेगी. सो यूनिवर्स ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर यू. एंड ऑलवेज अफर्म कि आपके बाल बहुत 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 ज़्यादा सुंदर हैं. और ये टेक्निक जिसके लिए भी काम करेगी ना, कंसिस्टेंसी बरकरार रखना. अपने बालों को कभी भी हेट मत देना. अपने हेयर से ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें और मार्केट की चीज़ें यूज़ करने से बेहतर है घर के होममेड मास्क लगाया करो. अंडा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए. अगर आप यूज़ करना चाहते हो, अगर आप एगिटेरियन हो तो ऑफकोर्स यूज़ करो. अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप अंडे की जगह बनाना यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. सी यू इन माई नेक्स्ट टॉपिक गाइज. स्टे हैप्पी. बाय.